प्रदेश के बहुउद्देशीय परियोजना एवं ऊर्जा तथा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री अनिल शर्मा ने कहा कि नई ऊर्जा नीति से प्रदेश को लाभ मिलेगा और अधिक संख्या में पावर प्रोजेक्ट लग पाएंगे। पालमपुर उपमंडल के जिया में जनमंच कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे अनिल शर्मा ने कहा कि जनमंच सरकार की बड़ी उपलब्धि है, जिससे जनता का सरकार के प्रति विश्वास बढ़ रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से जनता का सरकार से सीधा संपर्क हो रहा है। उन्होंने कहा कि अनेक मामले पत्राचार में फंस कर रह जाते थे, लेकिन जनमंच से ऐसी व्यवस्था बनाई गई है कि लोगों की शिकायतों का जल्द से जल्द निपटारा हो सके। मंत्री अनिल शर्मा ने कहा कि कहीं 7-8 रुपए यूनिट बिजली बिकती थी, जो अब 2.5 रुपए तक पहुँच गई है। इसलिए ऊर्जा क्षेत्र में निवेश को लोग आगे नहीं आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 27,000 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता है, लेकिन 10,500 मेगावाट के उत्पादन हो रहा है। अनेक प्रोजेक्ट 10-15 साल से नहीं बन पाए हैं। पहले 12 साल तक 12%, फिर 18 साल तक 18% और उसके बाद 30% फ्री पावर लेते थे। वहीं अब नई ऊर्जा नीति के तहत ये निर्णय लिया गया है कि 12 साल तक फ्री पावर नहीं लेंगे और उसके बाद 12% फ्री पावर ली जाएगी। वहीं जो छोटे पावर प्रोजेक्ट हैं उनमें 10 मेगावाट बिजली बोर्ड खरीदेगा। उन्होंने कहा कि ट्रांसमिशन लॉस पर अब सर्कल वाइज संज्ञान लेकर सुधार किया जा रहा है। इस समय प्रदेश में ट्रांसमिशन लॉस 11% है, जिसे 9% तक लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। सर, आज जनमंच यहाँ शुरू हुआ है कांगड़ा में, दूसरा प्रोग्राम है, किस नजर से आप देखते हैं सर? जनमंच जो है प्रदेश सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि में कह सकता हूँ। लोगों का सरकार के साथ सीधा संपर्क और सीधा लोगों के समस्याओं का निपटारा वहीं उसी जगह पे होना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसमें क्योंकि दूसरा हमारा जनमंच है, पिछली बार मैं सोलन गया था, इस बार मैं कांगड़ा में आया हूँ। बहुत सी समस्याएं ऐसी होती है जो पत्राचार में ही रह जाती हैं, उसका निपटारा कई बार हम जो अधिकारी से पूछते हैं कि क्या ये निपटारा हो जाएगा, कितने टाइम में हो जाएगा। और जनमंच में हम इस बात को निश्चित करते हैं कि जो अधिकारी सूचना देंगे उसी के हिसाब से लोगों को पता रहेगा इतने समय में हमारा काम हो जाएगा। तो एक बहुत बड़ा एक अभियान है जो प्रदेश सरकार के अंदर हमने शुरू किया है और मुझे लगता है इसका बहुत बड़ा अच्छा नतीजा होगा। एक विश्वास लोगों का सरकार के प्रति बनेगा, सरकार को लोगों को लगेगा कि सरकार जो है हमारी हर समस्याओं के बारे में जानकारी है। इसमें कुछ और आती है, किसी के ट्रांसफर मैटर है, किसी को चाहे उसको हम जनमंच में नहीं करते हैं। दूसरे मैटर हैं जो विकास संबंधी हैं, लोगों की अपनी समस्या है, उसको हम जनमंच के माध्यम से रखते हैं। सर, आपने अपने संबोधन में कहा कि ऊर्जा नीति बदली गई, लेकिन ऊर्जा बनाने वाला देश इसमें बहुत पीछे है, क्या वजह मानती है उसकी और आगे की क्या प्लानिंग है आपके? हमेशा डिमांड और सप्लाई पे बात करते हैं। कभी ऊर्जा जो है 7 और 8 रुपए यूनिट बिकती थी, आज वो 2.5 रुपए बिक रही है। और इसलिए जो है ऊर्जा क्षेत्र में लोग नहीं आ रहे थे, तो हमने ये सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी खुद कहा मुझे कि 5 साल हमें काम नहीं कर सके जो हमने 3 महीने के अंदर कर दिया। तो एक बहुत बड़ी प्रयास है कि हम इस नीति को उस हिसाब से बदलें कि लोग इसके उत्पादन में यहाँ पर आए। 27,000 मेगावाट बिजली क्षमता हमारी उत्पादन की है, हम 10,500 मेगावाट ही हम अभी पैदा कर सके हैं। और कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो 10-15 सालों से नहीं बन पा रहे हैं, उनकी समस्याएं भी देखी है। और इसलिए हमने इस ऊर्जा नीति को बदला है। उसमें हमने जो फ्री पावर थी, फ्री पावर को 12 सालों तक हम फ्री पावर नहीं लेंगे, इससे कि हमारे जो प्रोजेक्ट यहाँ पर आएंगे उनको लगेगा कि हम इससे जो प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। ऊर्जा हमारे पास एक ऐसी इंडस्ट्री कह सकता हूँ जो रिमोट में लगती है, बाकी इंडस्ट्री हिमाचल में कोई नहीं है। जो इंडस्ट्री है वो सारी बॉर्डर क्षेत्रों में लगती है। और ये जो हमारे पावर सेक्टर की है, चाहे किन्नौर है, लाहौल स्पीति है, शिमला के अपर क्षेत्र है, कुल्लू के अपर क्षेत्र है, कांगड़ के अपर क्षेत्र है, चंबा के हैं, वहाँ पर हमारे जो है प्रोजेक्ट लगते हैं और प्रोजेक्टों से रोजगार मिलती है, आय के साधन पैदा होते हैं। सर, एक आपने कहा कि बहुत सी, क्योंकि मैं इसको विस्तार से कहूंगा तो बहुत सारी चीजें मिसमें की है, प्रमुख तो सबसे बड़ी बात है कि हमने जो 12 साल हम 12% फ्री पावर लेते थे और 12% के बाद 18 साल तक 18% लेते थे और 18% के बाद 30% लेते थे। तो इतनी फ्री पावर हम लेने के बावजूद जो है लोग यहाँ पर नहीं आ रहे थे। तो हमने इसमें कहा कि हम केवल 12% लेंगे, वो भी 12 साल के बाद। तो 12 साल तक तो हम कोई फ्री पावर नहीं लेंगे,
अब 12 साल के बाद आगे जितने भी 40 साल का जो हमारा होगा उसमें मात्र हम जो है 12% लेंगे। और इसमें सबसे बड़ी बात आती है, छोटे यूनिट जो हमारे लग रहे थे, पावर हाउसेज जो लग रहे थे, पावर प्रोजेक्ट, उसको 10 मेगावाट तक, क्योंकि उनको था कि हम बिजली कहाँ बेचें, तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने 10 मेगावाट तक जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो हमारे जो है हमारे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड खरीदेगा। तो इसलिए जो है उसको भी उन्होंने छोटे छोटे प्रोजेक्टों को फायदा होगा कि वहीं समय पर वहीं पर प्रदेश के अंदर उनकी बिजली जो है बिकेगी। तो वैसे बहुत सी हमने ट्रांसमिशन की बात है, ट्रांसमिशन की कॉस्ट पड़ती थी उसमें, हमने जो है ट्रांसमिशन के ऊपर जो है उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए वो भी हमने फ्री किया। तो इसे बहुत सी हमने जो है इस सेक्टर में जो है प्रयास किए हैं। सर एक ना ये ट्रांसमिशन लाइन जो बिछाते थे जहां तक आपके सब स्टेशन है या स्टेशन है वहां तक बिजली पहुंचाने के लिए हर प्रोजेक्ट अपना अलग अलग ट्रांसमिशन लाइन बिछाता था, उस कारण क्या होता था कि लोगों को भी परेशानी आती थी,